जय गुरु जी। संगत जी, जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए। सबको जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जब तक संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और जो लोग लाइव आ रहे हैं, जो भी लाइव हैं, अगर आपको आवाज ठीक से आ रही है तो प्लीज एक बार यस टाइप कर दीजिए। जो भी मुझे सुन सकते हैं, जय गुरु जी। गौरव अंकल जय गुरु जी, प्रवीण अंकल या आंटी हैं जो भी हैं, जय गुरु जी। प्लीज एक बार यस टाइप कर दीजिए गौरव अंकल। सबको जय गुरु जी। और आवाज आ रही है साफ से तो एक बार यस टाइप कर दीजिए। सुनीता आंटी यस टाइप कर दीजिए। ओके, शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। एंड थैंक यू फॉर कंफर्मेशन सबके लिए, थैंक यू। सबसे पहले गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं। नीलम आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आप हर बार कॉल करते हो इतने प्यार से, तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जो गुरुजी महाराज सेवा बख्शते हैं। हमको लगता है कि क्या हम इस लायक हैं कि हम गुरुजी महाराज के बारे में कुछ बोल सकें। और सत्संग का मतलब है कि अपने गुरुजी महाराज की बढ़ियाई। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले आज दो लाइनें, और ये भजन नहीं है, ये एक सॉन्ग है जो मेरे मन में आज ये चल रहा है। बिकॉज आज की सिचुएशन से ये बहुत आज बहुत ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, तो पूरा सुनिएगा। और बहुत 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 गुरु जी महाराज का ब्लेस्ड सत्संग होने वाला है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तो हमारे गुरुजी महाराज से ही हमारी लाइफ में लाइट है, नूर है जिसे हम कहते हैं। और विद गुरु जी एवरीथिंग इज लाइक सो डिवाइन, सो ब्लेस्ड। तो हमको कैसे हम बोले कि हम कितने ज़्यादा लकी हैं, कितने ज़्यादा हम ब्लेस्ड हैं। सो ऐसा ही आज गुरु जी महाराज, एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग। जैसे मैं हर सत्संग में गुरु जी यही बुलवाते हैं ना, एवरी डे इज़ ब्लेस्ड बाय गुरु जी। हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सिर्फ गुरु जी की आज्ञा से हो रहा है। हम कुछ नहीं करते हैं, नथिंग, हम कुछ नहीं करते हैं। हम कहें ना कि हम कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। जो करवा रहे हैं वो गुरु जी करवा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी ओनली नोज कि उसके पीछे क्या प्लानिंग है, क्या गुरु जी महाराज ने सोच रखा है, ओनली गुरु जी नोज। एवरी डे इज अ ब्लेसिंग, एवरी डे इज अ ब्लेसिंग। सो आज का जो सत्संग है ना संगत जी, कितने सत्संग होते हैं जिस दिन हम गुरु जी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं, जिस दिन हम गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उस दिन से हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो हम सब जानते हैं ना, फॉर बेटर, ठीक है, कि हम भटक रहे होते हैं और गुरु जी हमें बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे रस्ते पर ले आते हैं और हमें बस
ऐसा लगता है कि मंजिल मिल गई है, ऐसा लगता है गुरुजी मिल गए हैं, तो सब कुछ मिल गया है। तो अभी 2 दिन पहले ना मैं एक ऐसी चैनल, जैसे हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो हम यूट्यूब पे या फेसबुक पे, आई डोंट नो, उसमें लिखा हुआ था। देखिए गुरु जी ना हर रूप में दर्शन देते हैं, कभी वो बजरंग बली के रूप में, कभी माता रानी के रूप में, हर रूप में गुरु जी दर्शन देते हैं। एवरी टाइम इज गुरु जी विद अस, ठीक है। और हमें लेकिन उस टाइम समझ नहीं आता होता, क्योंकि हम इतने नासमझ होते हैं, हमको पता नहीं होता कि ये गुरु जी ही हैं, ठीक है। तो गुरु जी हर पल हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, हर पल हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, हर रूप में दर्शन दे रहे होते हैं, बजरंग बली के रूप में और शिव जी के रूप में। जब से मैंने ये बात सुनी है कि हाँ गुरु जी महाराज कहते हैं कि जो बजरंग बली है वो शिव जी के ही रूप है, ठीक है, और जहाँ भी कथा होती है, जहाँ भी गुणगान होता है, तो गुरु जी महाराज, शिव जी, भोलेनाथ और हनुमान जी वहाँ प्रस्तुत होते हैं, वहाँ होते हैं विराजमान। तो मैं यही बात कर रही थी कि हमें कुछ पता नहीं होता है जब से हम गुरु जी के साथ जुड़ते होते हैं, कि किस किस रूप में गुरु जी महाराज ने दर्शन देने हैं। हनुमान जी का पाठ मैं सुन रही थी कि आप 11 बार करेंगे या 15 बार करेंगे, या आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे करती थी, शुरू से ऐसे करती थी। तो अचानक से मुझे याद आया कि उसमें वो बोल रहे थे कि आप 11 बजे 11 बार अगर आप ये पाठ करते हैं हनुमान जी का, तो आप जो भी चाहें आपको वो मिलता है। तो अचानक से मुझे ये क्लिक हुआ कि जब गुरु जी महाराज कहते हैं ना, जब गुरु जी महाराज, हमारे तो सिर्फ पर्दा पड़ा होता है, मतलब साथ तो वो शुरू से ही दे रहे होते हैं, लेकिन हम उनको मतलब हम समझ नहीं रहे होते। तो गुरु जी महाराज के आने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं पाठ करती थी तो मुझे पता नहीं था, तो हम पाठ करते थे कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। फिर एक लेवल ऐसा आता है कि आप भगवान को याद करते हो कि भगवान कब आएंगे, ठीक है, कि हमें नहीं पता होता हम किस चीज़ के लिए पाठ कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता कि हम हमारी लाइफ कहाँ चल रही है, ठीक है, और अचानक से आपको वो दर्शन दे देते हैं। तो ऐसे ही मैं बजरंग बली को याद कर रही थी और शिव जी को बहुत याद कर रही थी, तो ऐसे ही गुरु जी महाराज ने आके, मतलब भगवान ने आके साक्षात दर्शन दे दिए। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे लिए, मतलब बस हमारा तो जन्म सफल हो गया, हमारा जन्म क्या, जन्मों जन्म सफल हो गए। तो आज का जो प्यारा, बहुत प्यारा जो सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ कुछ नहीं कहूँगी, हाँ कुछ महीनों पहले एक मुझे ड्रीम आता है संगत जी, एक बड़ा प्यारा ड्रीम आता है मुझे कि मेरा बर्थडे है और मेरी एक फ्रेंड है, दिल्ली में रहती है, नोन है, वो भी गुरुमुखी है, गुरु जी को फॉलो करती है, नाम नहीं बताऊंगी, तो ये कोई और फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स के बारे में मेंशन करूंगी, एक का नाम बता सकती हूँ, एक का। तो वो मेरी जो फ्रेंड हो है वो मुझे, मैं उसको बोलती हूँ कि मतलब मुझे ना उसका ड्रीम आता है कि मेरा बर्थडे है और वो गुरु जी का, जो गुरु जी का दरबार वाला स्वरूप है वो लेकर आ रही है, ऐसे ड्रीम आता है कि वो स्वरूप लेके आ रही है। तो अब ये सब हमारे गुरु जी की बख्शिश है, ठीक है, हमारे गुरु जी की रहमत है। तो मैं उठती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है कि गुरु जी महाराज है और मतलब कैसे स्वरूप आ गया मेरे पास। तो फिर मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए कि तू कोशिश कर पुत्र कि तू ना मेरा स्वरूप बड़े मंदिर तू लेके आ। अब ये बात बार बार, ये जो मैसेज सर्कुलेट हो रहा था मेरे सामने, रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं ये किसको बोलूँ कि ये तो गुरु जी की ब्लेसिंग है, तो खुद आती है अपने आप, है ना, जो गुरु जी को मंजूर होता है। तो फिर क्या हुआ कि संगत जी अचानक मेरे माइंड में आया कि चलो मैं बात करके देखती हूँ, मैं उससे पूछ के देखती हूँ कि वो क्या कहती है। तो मैंने उसको बोला कि प्लीज़ ऐसा ऐसा है कि तू मुझको बड़े मंदिर से स्वरूप ला दे। तो उन्होंने बोला कि और वो गई भी, ठीक है, और वो शायद स्वरूप ले भी आई, लेकिन पता नहीं समहाउ वो स्वरूप पहुंच नहीं पाया यहाँ तक, मेरे मुझ तक, तो शायद गुरु जी की वो आज्ञा नहीं थी। देखिए अब वो सपना था, ठीक है, मेरे मन में वो चीज़ थी, चलो ठीक है, मतलब वो चल रहा था, ठीक है। अब फिर मेरे मन में एक बात आई कि हर वक्त ये घूमती रहती थी बात की कि गुरु जी ने ये बोला है, अब स्वरूप कैसे आएगा, अब स्वरूप कैसे आएगा, है ना। तो सब कुछ है गुरु जी, सब कुछ है गुरु जी जो ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं दिन रात यही सोचती रहती थी। तो अब कहते हैं ना कि आपके मन में अगर कुछ, देखिए भाव भी गुरु जी महाराज डालते हैं, क्योंकि ड्रीम दर्शन उनके ड्रीम नहीं होते हैं, वो गुरु जी साक्षात होते हैं,
ठीक है, तो वो बर्थडे पे इतना अच्छा पैक करके वो मुझे ड्रीम में वो मुझे स्वरूप दे रही होती। जैसे मैं खोलती हूँ तो उसमें गुरु जी का मंदिर वाला वो स्वरूप बना हुआ था, उसमें मंदिर बना हुआ था, बस इतना देखा मैंने। तो आई फेल्ट वेरी गुड एंड ब्लेस्ड। और फिर ये मेरे माइंड में ये बात चलती रही काफी टाइम तक कि कब गुरु जी महाराज का स्वरूप आएगा, कब आएगा, ये मैं सोचती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी की, फिर कुछ टाइम के बाद अब ये इस बात को कितने महीने हो चुके हैं, तो मेरी अब जो फ्रेंड है जिसके थ्रू मैं जुड़ी थी, कहते हैं ना कि गुरु जी महाराज एक सबब बनाते हैं, एक जरिया बनाते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं, आपको जोड़ते हैं अपने साथ, लेकिन एक बड़ा ब्यूटीफुल सा एक जरिया होता है गुरु जी महाराज जो हमें ज्वाइन करते हैं, और वो हम कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो बहुत स्पेशल होता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी महाराज की वो कॉलिंग होती है। सबको कहती हूँ कि एक कॉलिंग होती है गुरु जी की, कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जरिया तो बनाते हैं, किसी के थ्रू आपको बुलाएंगे, ठीक है, आपको आवाज लगाएंगे, किसी के थ्रू आपको बुलाएंगे। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है शैली है उसका नाम, दिल्ली में रहती है वो, तो उसने मैं उसके घर गई थी, तो मुझे मतलब कॉलिंग थी गुरु जी की शायद कह सकते हैं, तो उसके मुंह से निकला था कि यहाँ पे कोई गुरु जी हैं, तूने सुना है, और ब्लेस करते हैं बड़ा, जो लंगर प्रसाद खाता है ना बस वो तो ब्लेस्ड हो जाता है। अरे मैंने ना ये बात सुनी और उसी टाइम मेरे मुंह से निकला बस, गुरु जी मुझे भी आप बुला लो, मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है, बस यही निकला था। मैं नहीं जानती थी क्योंकि ऑलरेडी गुरु तो धारण किए हुए थे, तो मेरे मुंह से यही निकला था। यही वो फ्रेंड है जिसने मुझे जोड़ा था। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अब ये कुछ दिन पहले की बात है कि जो गुरु जी की ब्लेसिंग है, जो गुरु जी नेड़े होके सुनते हैं, जरिया भी खुद बनाते हैं और फिर पूरा भी खुद ही करते हैं, ड्रीम भी खुद दिखाते हैं और उसको पूरा भी खुद करते हैं, आपके मुंह से है ना बस खुद ही निकलवाते हैं। तो जैसे उस दिन निकला था कि गुरुजी मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है, मुझे भी बुला लीजिए, और ऐसे गुरुजी महाराज ऐसे लगता है जैसे बस इतनी नेड़े बैठे ही होते हैं, बस सुन लेते हैं, अच्छा तथास्तु, बस भगवान ऐसे बैठे होते हैं तथास्तु। ठीक है, भगवान तो हमेशा ब्लेस करने के, मैं कल भी कहीं सुन रही थी कि भगवान हमेशा ब्लेस करते हैं, ये तो हमारे कर्म होते हैं, जो भी होता है, जो भी एक्स वाई, तभी हमें गुरु जी कहते हैं कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हम किसी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो संगत जी उस टाइम भी गुरु जी बिल्कुल नेड़े होके सुन रहे थे, ऐसे मैंने ऐसे बोला, गुरु जी ने उसी टाइम बुला लिया था कि लंगर प्रसाद खा लिया। पहली बार तब तब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी, और वो भी किसी के सत्संग में, बड़े मंदिर तो बाद में गई थी, सत्संग में ही जुड़ी थी सबसे पहले। किसी का सत्संग था और मेरे को लंगर प्रसाद, मेरे मुंह से निकला था कि मुझे लंगर प्रसाद खाना है, ये नहीं निकला कि बड़े मंदिर जाना है या वहां जाना है, ये निकला था कि गुरु जी मुझे भी लंगर प्रसाद खाना है, और गुरु जी ने ऐसे खिलाया कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वाओ, जैसे हम कितना इतना मतलब वो आज तक मैं वो भूल नहीं सकती कि वो इतना टेस्टी लंगर प्रसाद था, मैं कभी नहीं भूल सकती। फिर क्या हुआ संगत जी की, अब कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी वही जो बेस्ट फ्रेंड है, हमारे बीच में कुछ हो जाता है ना कभी कभी, थोड़ी बहुत दूरियां आ जाती हैं, वो अपने काम में बिजी, मैं अपने काम में बिजी, ठीक है थोड़ी बहुत चलो ठीक है, जो भी माइंड में चल रहा होता है ठीक है थोड़ा बहुत, बट दिल से कहते हैं ना कि कुछ सोल्स होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं और गुरु जी बनाते हैं वो जरिया। तो क्या हुआ कुछ दिन पहले कि कुछ काफी टाइम से वो कुछ परेशान चल रही थी। संगत जी ये बात 4 साल पुरानी थी जो मैं आपको अपनी फ्रेंड की बता रही थी कि ये 4 साल लाइक 2019 की ये बात है कि कैसे उसने गुरु जी ने उसके मुंह से निकलवाया था और कैसे गुरु जी ने दर्शनों के लिए बुलाया था, और फिर मैं यहाँ, वो अपने घर, वो दिल्ली में है, मैं पंजाब में हूँ। ओके, फिर क्या हुआ जी कि अब कुछ दिन पहले वही मेरी जो फ्रेंड है, शी वॉज गोइंग थ्रू समथिंग, तो वो मुझसे डिस्कस कर रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं उसको बोलती होती थी, लेकिन क्या क्या होता है ना कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है, और जब तक तो गुरु जी महाराज की आज्ञा नहीं होगी तो आप चाहे पास हैं चाहे दूर हैं, आप गुरु जी के दर्शन के लिए नहीं जा सकते, है ना। तो वही चीज़ हुई। तो क्या हुआ कि मैं सोच रही थी कि गुरु जी महाराज, मैं उसको बोलती थी कि तू ना दर्शन करके आ, तो उस दिन फिर वही बात हो रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो थोड़ी परेशान हो रही थी, हम आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, वो पूछ रही थी तू बता मतलब क्या करें कैसे करें, तो मैंने फिर कहते हैं ना गुरु जी की तो कॉलिंग होती है ना बार बार, तो गुरु जी तो कहते हैं बस यहीं बैठे होते हैं, वो बुलवा रहे होते हैं, ठीक है।
तो क्या हुआ कि मैंने फिर उसको यही बोला कि तू ना शैली कुछ नहीं है, बस सिर्फ गुरु जी के दरबार में का तेरे तो बिल्कुल पास है, तुम्हारे तो बिल्कुल पास है, तो मैं कहा हिम्मत करो और वहाँ दर्शन के लिए जाओ, हिम्मत करो, कोशिश करो। मैंने कहा अगर कुछ नहीं कर सकती, मैं कहा सबसे पहले तू यही कर, क्योंकि उसका बन ही नहीं पा रहा था, मतलब कोई सबब नहीं बन पा रहा था कि वो कैसे जाए या क्या करे, मतलब समझ नहीं आ रहा था, या यूँ कह लीजिए कि अभी कॉलिंग नहीं थी। ठीक है, फिर क्या हुआ जी कि मैंने सिर्फ उसको इतना सा ही बोला कि शैली तू प्लीज़ एक काम कर, तू ना गुरु जी को अरदास लगा और उनको बोल कि गुरु जी अगर आपकी आज्ञा है तो प्लीज़ मुझे किसी भी तरीके आप बुला लीजिए दर्शनों के लिए, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं कहा बस तू इतनी सी अरदास कर गुरु जी को कि गुरु जी आपके दर्शन करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अगर आपकी आज्ञा है तो प्लीज़ मुझे बुला लीजिए किसी तरीके। और जैसे ही फिर उसने वो बोला और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, आप मानेंगे मंडे का दिन था, मंडे का दिन था, उसका हर बार कैंसिल हो रहा था, हर बार कैंसिल हो रहा था, आज जाती हूँ कल जाती हूँ, आज जाती हूँ कल जाती हूँ, और इट वॉज मंडे, मंडे का दिन। और क्या हुआ कि संगत जी गुरु जी की कॉलिंग, और वो मंडे को छुट्टी लेके स्पेशल, और फिर वो गुरु जी के दरबार गई। तो उसका मुझे कॉल आता है सुबह कि नेहा मैं ना आज गुरु जी की आज्ञा है और आज मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ। तो मैं बहुत अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि शुक्राना गुरु जी की आपने उसको बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब गुरु जी ने उसको बुलाया, देखिए अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद उस मुझे फोटो भेजती है कि ये देख मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद कर रही हूँ। तो उसने मुझको पकौड़े की वो जो ब्रेड पकौड़ा था और साथ में हलवा प्रसाद था, मंडे का दिन था, तो वो दोनों की उसने पिक्चर खींच के मुझे भेजी। तो मैंने कहा कि यहाँ बैठ के मैं भी ब्लेस हो रही हूँ कि उसने मुझे पिक्चर भेजी कि ये देख मैं पहली बार गई हूँ और वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और ये है। तो फिर वो उसने बताया कैसे कैसे वो अंदर गई, कैसे कैसे बहुत मुझे कितनी ब्लेसिंग उसको मिली। ठीक है, मतलब शी वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड। फिर क्या हुआ जी कि वो उसका भी एक अपना सत्संग है ना, तो वो खुद शेयर करेगी कभी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। तो फिर क्या हुआ कि फिर बाहर आ जाती है, तो बाहर आती है तो अब आप देखिए संगत जी कि मंडे के दिन पहली बारी में उसको गुरु जी का वहां से स्वरूप मिलता है। ठीक है, गुरु जी का बहुत सुंदर वो जो एक स्वरूप है जिसमें गुरु जी वो कंबल 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 नहीं सॉरी सर्दी के दिन है, पीछे बड़ा अच्छा फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, गुरु जी ऐसे गर्म शॉल ऐसे रखी हुई है और शायद शेरवानी टाइप पहनी हुई है ब्लैक कलर की ठंड वाला, और गुरु जी ऐसे करके मतलब उसमें स्वरूप में खड़े हैं, बहुत सुंदर स्वरूप गुरु जी का। उसने मुझे बोला कि देख नेहा मुझको गुरु जी का स्वरूप मिला, और आई वॉज लाइक कि मैंने कहा शैली मैं कहा यू आर वेरी ब्लेस्ड कि तू पहली बार मंडे के दिन गुरु जी ने बुलाया और तुझको ब्लेस किया है और तुझे स्वरूप मिला है। अब संगत जी ये बात हुई, ठीक है हमने फोन रख दिया, मैंने कहा तू अब दर्शन कर आराम से, मैंने कहा बार बार मैं कहा सबको ना फोटोज मत भेज और तू बस सिर्फ दर्शन कर, मैं कहा जहाँ गई है ना तो बस वहां दर्शन कर। तो फिर थोड़ी देर बाद उसका फिर संगत जी थोड़े मिनटों के बाद ना फिर उसकी कॉल आ जाती है। मैंने कहा क्या हो गया, तो कह रही है नेहा मैं तो कहती मैं तो हैरान हो रही हूँ, कहती मैं वहां से निकल रही थी तो एक अंकल ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि बेटे ये लो स्वरूप, एक और बड़ा वाला स्वरूप। तो वो कहती तो इसने बोला इसको नहीं पता, तो इसने बोला कि अंकल मेरे पास तो स्वरूप है ऑलरेडी। तो अंकल तो वो आगे से अंकल ने बोला बेटे मना नहीं कर दे, ठीक है गुरु जी दी ब्लेसिंग है मिल रही है नू लो, और उसने बोला और अंकल ने उसको एक और स्वरूप पकड़ा दिया इतना बड़ा वाला। संगत जी अब ये मुझसे बात कर रही है, इसने मुझे बताया कि नेहा ये क्या हो रहा है, मैंने कहा ये तेरे को ब्लेसिंग्स मिल रही है, मैंने कहा ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है गुरु जी महाराज की। अब अंदर ही अंदर संगत जी मेरे मन में ना ऐसे चल रहा है कि एक एक इमोशन आ रहा है, एक इमोशन जा रहा है। ठीक है, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है अच्छा दो स्वरूप, कहती नेहा मुझको देखिए संगत जी आप कोइंसिडेंस देखिए दोनों स्वरूप सेम मिले हैं उसको, सेम स्वरूप दोनों एक जैसे स्वरूप, ठीक है दोनों सेम सेम चोला सब कुछ सेम। तो अब मैंने कहा गुरु जी ये मैं गुरु जी से बोल, मैं कहा गुरु जी ये क्या लीला है आपकी, मैंने कहा दोनों स्वरूप दो मिल दिए हैं आपने, दोनों ही सेम दिए हैं। अच्छा एक मेरे मन में ना उस टाइम आया कि मैंने कहा क्या मैं इसको बोलूं कि एक स्वरूप मुझे दे दे, पर मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मैं कहा ये उसकी ब्लेसिंग है गुरु जी ने उसको दी है, मैं ऐसे नहीं बोल सकती उसको। ठीक है, तो मैंने कहा ये गलत बात है, तो लेकिन मैंने कहा कि शैली यू आर वेरी ब्लेस्ड
और बहुत खुश हूँ, अब तो अपने घर ले जा इसको। तो फिर उसने पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो मैंने उसको बोला कि अपने घर गुरु जी को विराजमान कराओ, मैं कहा उनका स्वरूप आप फ्रेम करने के लिए तू दे, और मैं कहा फिर गुरु जी को मतलब प्यार से घर में विराजमान कराओ, और जो आपको ठीक लगता है आप प्रसाद बनाओ, या जो भी ठीक लगता है वो करो। ओके, फिर ये बात हो गई। अब क्या हुआ जी, संगत जी की ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, उसके पास दो तीन स्वरूप आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, वो वाला स्वरूप घर में नहीं रख पाई, बड़ा वाला जो उसको मिला, दो स्वरूप मिले। और संगत जी उसी टाइम जब उसको वो दो स्वरूप मिले थे, तो मेरे मन में ये आया था बात की गुरु जी आपकी कौन सी लीला है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु जी कह रहे हैं कि तेरे वास्ते है तुम, लेकिन मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने गुरु जी को पता क्या बोला, मैं कहा गुरु जी मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हाँ लेकिन अगर आपने आना है ना मेरे पास, तो मैंने कहा आप अपने आप आओगे। मैंने ये बस सिर्फ इतना बोला गुरु जी को कि गुरु जी अगर आपने आना ही है, तो मैं कहा आप अपने आप आओगे। मैं कहा मैं उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकती, उसके भाव जुड़े हैं, और वो कहीं ये ना सोचे कि हाँ ये मेरे से स्वरूप मांग रही है, क्यों, क्योंकि इसको मतलब ये ऐसा कहीं फील ना हो रहा हो कि हाँ इसको तो दो स्वरूप मिल गए, क्या ब्लेसिंग मिल गई, होता है ना। लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बोला। अच्छा, फिर वो घर ले गई, तो फिर मैंने कहा कि अब तू, फिर वो फ्रेम करवा के भी घर ले गई। तो एक स्वरूप क्या हुआ था कि वो काफी बड़ा स्वरूप था, तो समहाउ वो नहीं रख पाई, बिकॉज ऑफ स्पेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो फिर उसका अगले दिन फिर मुझसे बात होती है और मैसेज आता है, तो मुझे कहती है नेहा ये वाला स्वरूप तो मैं नहीं लगवा पाऊंगी, लेकिन मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि ये वाला स्वरूप मैं तुझे दूंगी। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज रियली शॉक्ड। तो मतलब जब उसके मुंह से ये निकला कि कहती ये वाला स्वरूप मैं वहां नहीं लगा पा रही हूँ फॉर सम रीजंस, ठीक है, वो उसके, तो कहती लेकिन मेरे मन में उसी टाइम ये आ गया था कि ये स्वरूप मैंने तुझको देना है, मेरे कुछ बिना कहे बिना कुछ बोले उसने पहले ये बोला, और फिर आगे से मैंने उसको बोला तेरे मुंह में घी शक्कर। मैंने कहा कि शैलू अगर तू ये सोच रही है ना, तो तू बस फिर जल्दी से गुरु जी को भेज दे, क्योंकि मेरे से वेट नहीं होगा। तो उसने बोला कि मैंने जून में आना है, कोई बात नहीं, पंजाब शायद मेरा चक्कर लेगा तो मैं ले आऊंगी। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मेरे से वेट नहीं होगा, मैं कहा तू बस, मैं कहा जैसे भी कर तू, कुरियर कर तू। मैंने उसको सारा तरीका बताया कि तू उसको ऐसे रोल कर, ऐसे पैक करवा, ऐसे कर ये कर, बस तू भेज दे। मैं कहा तेरे मुंह से निकल गया है मतलब, लेकिन मुझसे नहीं वेट होगा, क्यों, क्योंकि जब शायद गुरु जी की ये मंजूरी थी, आप कह लीजिए कुछ भी था, ठीक है, तो ये गुरु जी महाराज की बख्शिश है कि किस तरीके गुरु जी महाराज ने आना है, कैसे गुरु जी महाराज ने उसको बुलाया, कैसे गुरु जी महाराज ने दो बिल्कुल एक जैसे स्वरूप उसको ब्लेस कर दिए, कैसे वो घर लेके गई, फिर उसने विराजमान भी करवाया, छोटा वाला स्वरूप भी था वो विराजमान करवाया, उसने मुझे फोटोज भेजी कि देख मैंने जोत भी जगाई है गुरु जी की, सब कुछ उसने छोटा वाला स्वरूप फ्रेम फ्रेम भी करवाया, ठीक है। और आई थिंक उसको दो दो स्वरूप मिले थे, और फिर क्या हुआ था कि उसने एक पता नहीं एक और भी स्वरूप उसने किसी को दिया था, किसी की जरूरत थी, तो मैंने उसको बोला था कि शैली भी तू मुझको दे दे भाई, एक और स्वरूप भी उसको मिला था। मैंने कहा तुम मुझसे पूछ लेती, लेकिन फिर मैंने गुरु जी से माफी मांगी, मैंने कहा गुरु जी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कहा जिस जिसका स्वरूप होता है उसके पास जाएगा, ठीक है। उस मेरे बोलने से पहले उसने पहले ही बोल दिया कि नेहा कि मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये वाला स्वरूप जो बड़ा वाला स्वरूप है वो मैं तेरे पास भेजूंगी, और आज वो गुरु जी का स्वरूप घर में आ गया है, आज आई थिंक कुछ दिन हो गए हैं और गुरु जी आए हैं, इतना सुंदर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बस मैं क्या बोलूं, और इट्स लाइक एक गुरु जी हमको इतना ब्लेस करते हैं, हमारे मन में कोई भाव आता है तो गुरु जी उसी टाइम सुनते हैं, उसी टाइम सुनते हैं। अगर मन में आया है कि गुरु जी का स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिल जाए, क्योंकि जैसे मैसेज आ रहा था बार बार, तो मुझे लगा कि काश गुरु जी मुझे भी वो स्वरूप मिल जाए, क्योंकि हम जब भी गए हैं बड़े मंदिर, जब भी गुरु जी महाराज ने बुलाया है, तो वहां से देखिए हर बार ब्लेसिंग तो मिलती है, ठीक है, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिली है वहां से, कभी कार का स्टिकर जैसे मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था, या जो भी है, लेकिन जब हमने स्वरूप मांगा था तो नहीं मिला था उस टाइम नहीं था। और देखिए कैसे गुरु जी महाराज की प्लानिंग होती है, कैसे गुरु जी ने आना होता है अपने बच्चों के पास, कैसे वो हमारी हर अर्जी को कबूल करते हैं, छोटी से छोटी अर्जी, बड़ी से बड़ी अर्जी गुरु जी महाराज कैसे कबूल करते हैं, लेकिन हर चीज की एक टाइमिंग होती है, हर चीज की एक टाइमिंग होती है गुरु जी की।
और वो गुरु जी डिसाइड करते हैं, गुरु जी महाराज मतलब हमेशा ईच एंड एवरीथिंग। तो हमें सिर्फ अपने गुरु जी महाराज के ऊपर टोटल भरोसा करना चाहिए, टोटल सरेंडर करना चाहिए कि गुरु जी, कभी कभी मैं इतनी ज्यादा शॉक हो जाती हूँ, कभी कभी ओवरवेल्म हो जाती हूँ, मतलब कैसे गुरु जी हैज लॉट ऑफ पेशेंस विद अस, कि हमें कई बार गुस्सा आ जाता है तब भी गुरु जी महाराज हमें दिल से लगाते हैं, हम गलतियां करते हैं तो भी हमें दिल से लगाते हैं, हम से कई मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमसे बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज हमें दिल से लगाते हैं। तो ऐसे ही गुरु जी महाराज हमें हर पल हमारी, मैंने आपको बोला ना, छोटी से छोटी इच्छा कोई बड़ी इच्छा हो, गुरु जी इज लिसनिंग, हमेशा वो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर कि गुरु जी महाराज अपने बच्चों के लिए खुद चलकर आ जाते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी, कोई और बड़ी बात नहीं है। कि भगवान देखिए कहाँ से, कैसे गुरु जी महाराज चले, कैसे आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज को कि कैसे गुरु जी महाराज उसके साथ आए और फिर उसके बाद वहां से यहाँ आए। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आई वॉज टेस्टिंग, इट्स लाइक कि मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कहना सही नहीं होगा उसको कि एक स्वरूप मुझे दे दे, जबकि मुझे फील हुआ ऐसा कि दो स्वरूप एक जैसे मिलना, इट्स लाइक, तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, तो गुरु जी ने कुछ सोच रखा है, उसमें गुरु जी की आज्ञा है। और मैं इतना शैली को भी थैंक यू बोलती हूँ, इतना शुक्राना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई डोंट नो इन हाउ हम कैसे हम कनेक्टेड हैं, कहते हैं ना सोल सोल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब जुड़ी थी तो उसके मुंह से निकला था, और आज जब गुरु जी का स्वरूप आया है तो भी वो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग है कि मतलब उसके थ्रू आना था गुरु जी महाराज ने। तो हर हर पल में बस मुंह से शुक्राना ही निकलता है। तो आज वो स्वरूप हमने वो फ्रेम करा के गुरु जी को वेलकम करके, और हमने वो नीचे लॉबी में रखा है स्वरूप गुरु जी का, वहां विराजमान करवाया हुआ है, और बहुत प्यारा बहुत सुंदर स्वरूप है। गुरु जी महाराज इतना मुस्कुरा रहे हैं उसके अंदर, और ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। हर पल जो अपने बच्चों के वो साथ रहते हैं, हर पल हमें गाइड करते हैं, हमें हर पल प्रोटेक्ट करते हैं, और हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को वो पूरा करते हैं। और इट्स लाइक इमोशन कि हम सत्संग शेयर करते हैं, बट ये जो सत्संग है, मतलब हर सत्संग, देखिए हर सत्संग, एवरी सत्संग इज क्लोज टू अवर हार्ट, बट कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि इट्स लाइक गुरु जी ब्लेसिंग है ना, मतलब हर पल हमें गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। और जैसे पहली बार गुरु जी महाराज आ गए थे अपने आप ही कि मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है तो लो मैं आ गया। ठीक है, और पहली बार तब भी आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, और पता नहीं क्या चल रहा था, क्या क्या चल रहा था, मैं एक्चुअली बोलूंगी कि लाइफ ऐसे थी और गुरु जी ने ऐसे की, मतलब बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा और गुरु जी ने ऐसे किया, तो इट वॉज देन, तो वो भी गुरु जी महाराज ने किया। और आज जब वो गुरु जी महाराज का स्वरूप है, वो गुरु जी को पता है, वो गुरु जी जानी जान है, लेकिन गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। हमें सिर्फ मन के भाव से जुड़ना है, हमें सिर्फ गुरु जी से दिल से कनेक्ट करना है। अर्जी जो है सिर्फ यही लगानी चाहिए, दो लाइनें बस मैं बोलूंगी, हालांकि मेरा थोड़ा सा गला भरा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ एक दो लाइनें गुरु जी के लिए, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, और सारी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने ज्वाइन किया। गुरु जी आज्ञा आज्ञा लूं आपसे। देखिए मन तो नहीं करता क्योंकि हर दिन सत्संग है गुरु जी महाराज के साथ, हर दिन, एवरी डे इज ब्यूटिफुल डे,
एवरी डे सत्संग, ठीक है, और गुरु जी के महाराज ब्लेसिंग है, इसे मैं ब्लेसिंग कहूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि चमत्कार है, वो गुरु जी को पता है, लेकिन मैं इसको ब्लेसिंग बोलूंगी। वी ऑल आर सो ब्लेस्ड, वी ऑल आर लाइक बस अंदर गुरु जी गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस। तो हमें एक ही शब्द बोलना चाहिए, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और अगर कोई भी भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना गुरु जी महाराज, कोई भी भूल चुक हुई हो तो क्षमा करना। तो मैं आज्ञा लेती हूँ संगत जी, और नेक्स्ट टाइम जब गुरु जी की आज्ञा होगी तो गुरु जी महाराज बुला लेंगे, है ना। तो सबको जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और जो भी साथ संगत ज्वाइन की है, अंजू आंटी, नेहा आंटी, सबको जय गुरु जी, सबको सबको जय गुरु जी। और यूं ही गुरु जी महाराज हमें अपने आप के साथ जोड़ के रखें, और बस अपने चरणों में रखें, कनेक्ट करके रखें। तो जय गुरु जी।